हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम हमारी लास्ट वीडियो में कविता पढ़ रहे थे हिमालय के प्रति, आज तो हम हमारी इस कविता के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाइए। इसी क्रम में हमारा जो पहला प्रश्न है वह, भारत माता किस पर गर्वित है? तो इसका उत्तर है, हमने कविता पढ़ी थी, 21 की ऊंचाई पर गर्वित भारत माता है। तो हिमालय की ऊंचाई पर भारत माता गर्वित है, इसका सही उत्तर होगा हिमालय की ऊंचाई पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की बाहों में क्या है? तो आपको याद होगा हमने जब कविता पढ़ी थी तो इसमें एक लाइन आई थी, बाहों में गंग जमुना जल है, ओ बाहों में गंग जमुना जल है, तो यानी गंगा जमुना का जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गंगा जमुना का जल। प्रश्न नंबर 3, हिमालय के दर्शन मात्र से मानस क्या बन जाता है? तो हिमालय के दर्शन मात्र से मानस दर्पण बन जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दर्पण। हम हिमालय के किस रूप पर न्यौछावर हैं? हम हिमालय के प्रहरी रूप पर न्यौछावर हैं, इसका सही उत्तर है हिमालय के प्रहरी रूप पर। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भाषा से संबंधित। यहाँ आपको कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। देखिए प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द पढ़ो और याद करो। पहला जो शब्द है वह है सूरज। सूरज के पर्यायवाची हैं रवि और दिनकर। ये याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द होते हैं समानार्थी शब्द, यानी एक समान जैसे, एक ही अर्थ जैसे वाले और भी शब्द, या यूं कह सकते हैं सूरज के दूसरे नाम, रवि, दिनकर, सूर्य। तो सूरज के यहाँ दो पर्यायवाची दे रखे हैं, सूरज का रवि और दिनकर। उसी तरह से बादल का है घन और मेघ, धरती का है भूमि और पृथ्वी, पर्वत, पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं पहाड़ और गिरी, सागर के हैं समुद्र और जलधि। तो ये आपका जो पर्यायवाची शब्द है इनको आपको पढ़ने हैं और याद करना है। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है वाक्य बनाओ। यहाँ आपको 4 शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों की सहायता से आपको वाक्य बनाना है। नयन, सुंदरता, शीश और हिमालय, इन शब्दों की सहायता से आपको वाक्य बनाना है। मैंने आपके लिए उदाहरण के तौर पे कुछ वाक्य बना रखे हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आपके लिए 2 शब्दों से वाक्य बना रखे हैं, नयन और सुंदरता। नयन का है, हिरण के नयन बहुत सुंदर होते हैं। इस तरह से आप नयन से और भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपके लिए यहाँ लिख रखा है। सुंदरता, सुंदरता से कविता में हिमालय की सुंदरता बताई गई है। आप और भी बना सकते हैं, जैसे राधा के नयन बहुत सुंदर है, फूलों की सुंदरता देख के मन खुश हो जाता है। इस तरह से आप और भी वाक्य बना सकते हैं। और बाकी के जो 2 शब्द हैं शीश और हिमालय, इनके वाक्य आपको स्वयं बनाने हैं, खुद से वाक्यों को बनाकर हम अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं को पढ़िए और समझिए। यहाँ आपको 4 शब्द दे रखे हैं, ऊंचाई, सुंदरता, यश और गौरव। इन ये शब्द हैं, यहाँ ऊंचाई, सुंदरता, यश और गौरव आपको 4 शब्द दे रखे हैं, जो भाववाचक संज्ञा हैं। ये अन्य संज्ञा शब्दों से बने हुए हैं, जैसे ऊंचा से बना ऊंचाई, सुंदर से बना सुंदरता। ऊंचाई इसका मूल शब्द है जिसका भाववाचक संज्ञा शब्द है, ऊंचा इसका मूल शब्द है जिसका भाववाचक संज्ञा शब्द है ऊंचाई, और सुंदर शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बना है सुंदरता। इससे सौंदर्य भी एक भाववाचक शब्द बन सकता है। यश, यश का मतलब होता है कीर्ति, और गर्व से बना है गौरव।
तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द है, इनको आपको पढ़ना है और समझना है। और इसी तरह से और चार, मिनिमम चार, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने चाहें उतने, लेकिन कम से कम चार से पांच शब्द आपको स्वयं बनाने हैं भाववाचक संज्ञा के। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल गए होंगे। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।